जरूर रिवाइवल के रुकेंगे तो खुद भी अपने आप को जोखिम में डालेंगे। एब्सोल्युटली गेम्स ओवर गॉडलाइक के लिए नियो जोनाथन बचे हुए एंड वी हैव सीन दिस डू मेक मिरेकल्स हैपन एंड देखिए नियो का बेहतरीन स्प्रे आता है जो कि एगी को नॉकआउट करेंगे। एगी पर अभी प्रोन हो जाते हैं बट नियो विद दैट ग्रेट स्प्रे कमिंग इन दोनों खिलाड़ियों को नॉकआउट करेंगे। फिनिश पॉइंट जरूर उठाना चाहेंगे। जी हां, एक खिलाड़ी को कंफर्म किया जाएगा। क्या दूसरा फिनिश भी इनको मिलेगा? सैगी अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं, जोन के एज पे है वो। नियो को आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वो जोन में मूव दिखाएंगे जरूर यहां पर उनके ऊपर स्प्रे आ सकता है बट जी नहीं, आगे बढ़ रहे वो। सैगी यहां पर बगी रोकेंगे एंड नियो देखिए क्रॉसर लगा के इमीडिएटली बचे हुए Neo with a beautiful 1 versus 3 coming in against Team Enigma and Enigma gets taken down in 12th position by Neo single-handedly. Celsius Apollo ko bhi yahan par confirm kiya jata hai. I believe Celsius they also get down and it's godlike with 12 finishes rolling in and 2 players still surviving. Insane getting puri ki puri bhi abhi bhi bachi hui hai. Insane, they have the upper edge. Marcos Gaming ke 4 khiladi bache hue hain. Jonathan ko kiya jayega knockout from Marcos Gaming and now godlike is in trouble. Neo ke upar bhi shots liya ja raha hai and wo seedha aage badh rahe hain. Ek jagah agar chhod de dusri jagah pe players maujood hai. Gaadi rokenge तो यहां पर जरूर उनको फिनिश किया जा सकता है। जी नहीं, मार्कोस गेमिंग इज द वन।